परमेश्वर जी आप इस फिल्म में कैसे आए आप तो रैंक न्यू कमर है आ, फिल्मों से कोई रिश्ता नहीं रखते ना प्रोडक्शन से ना डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आप एज अ नेगेटिव राइट्स कंट्रोलर आपने मेरे ख्याल से इस फिल्म के पूरे नेगेटिव राइट्स खरीद लिए तो फिल्म प्रोड्यूस नहीं की हाँ। तो आपकी एंट्री किस पॉइंट पर हुई एक्चुअली uh, क्या है हनीफ भाई हमारे मित्र हैं पुराने एंड ही वॉज विद राजश्री फॉर अराउंड मे बी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड वी आर ऑलरेडी इन टू द सी डी ड्यूटी मैनुफैक्चरिंग एंड दै इज ऑल्सो वन वी रिलेटेटेड टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑनली करैक्ट तो इन्होंने कहा कि हमने एक अच्छी मूवी बनाई आप जरा उसको आके देखें तो हम वैसे भी कुछ चाह रहे थे कुछ डायवर्सिफिकेशन करें आगे बिजनेस का कुछ करें तो वैन आई सॉ द मूवी आई लाइक डिट वेरी मच और मेरे को क्या लगा कि एक्विजिशन इज द नाउ राइट प्रोसेस इन इंडिया ऑल्सो टू एंटर इन टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस आज वॉर्नर ब्रदर्स या और भी बड़े बड़े नाम हैं जो कि इंडिया में छोटे बजट की लेकिन अच्छी कंटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं सो आई थॉट लेट्स मेक एन अटेम्प्ट इन टू इट एंड दैट्स हाउ आई वांट टू गो इन इट फर्स्ट मेक एन एक्विजिशन वेयर द कंटेंट इज द ऑनली किंग विच इज ऑलरेडी प्रूवन दैट यू आर ऑल अबाउट सो कंटेंट इज द ऑनली थिंग विच ड्रो मी टू टेक द एंटायर नेगेटिव राइट्स मेक द एक्विजिशन ऑफ दिस फिल्म दैट आई कैन ऑनली सी डी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट तो है लेकिन उस बिजनेस में आप कभी प्रोड्यूसर्स के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए होंगे बिकॉज आई थिंक यू डील ओनली विद द म्यूजिक कंपनीज नो वी डील बेसिकली विद द कंटेंट ओनर्स यू नो लाइक हॉलीवुड पीपल दे गिव टू द रीजनल लाइसेंसिस द लाइसेंसिस दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दीज मूवीज इन दिस रीजन सो वी बेसिकली मैन्युफैक्चर फॉर ऑल ऑफ दैम द सी डीज एंडिविटीज ऑल दीज थिंग्स सो वी आर इन टच विथ ऑल दीज पीपल ओवरसीज एंड हियर ऑल्सो But thing is that uh, as a producer, uh, this is our first venture, and uh, because uh, movie either you can produce yourself or you can uh, go and buy it uh, as, uh, after seeing the content. So my uh, present, you know, strategy for this business is that I would only go for an acquisition to begin with, because uh, when we see the movie, we can make a judgment if the content is good. Yes, the risk is very less and uh, you have seen in the last maybe around a year's time or maybe also previous to that, many good films with very high face values, they have not done very well. No, you are wrong. It's not many good films, many films with high face value. Ah. They are bad <laughs> films, that's oh, why sorry, they have not I'm done very well. <laughs> because, you know, I yes, <laughs> am absolutely, absolutely, sorry, sorry for that. So, um, uh, many, you know, big budget films and all these people um, who have come with very high publicity budgets, but ultimately, if the content is not good, the audience is very smart, and they will say, "Baba, no, no, this is not the film which we were basically willing to go for." And uh, maybe after two days, you will see the results.